आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट बायोटिन ब्रेकफास्ट स्मूदी शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्मूदी है इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोटिन है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन के है और बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट हैं जो आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। स्पेशली इसमें प्रोटीन और बायोटिन आयरन बहुत ज्यादा है। इसके अंदर सेलेनियम भी है जो आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ही होता है और साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन के बहुत ज्यादा है जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में ना अगर आप बहुत हेल्दी कुछ खाते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस दिखता है आपको अपने हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ब्रेकफास्ट की जो मील होती है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हेल्थ के लिए। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल में बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो कि लिटरली वर्क करे, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। इंटरनली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो एक्सटर्नली चीजें लगाने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए हेल्दी हेल्दी रेसिपीज लेके आती हूँ जो कि सच में वर्क करे, है ना। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ वो है न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस, ये है रागी फ्लावर। रागी फ्लावर बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। मैं यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून के करीब रागी फ्लावर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए बना रही हूँ स्मूदी और इसलिए मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ, बट ये ज़्यादा ही हो गया है तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। 2 चम्मच मोर देन एनफ है 2 लोगों के लिए। रागी फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे नियासिन होता है और भी इसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर फास्फोरस होता है, कॉपर होता है, कैल्शियम होता है जो कि हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। ये हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर एनीमिया की किसी को प्रॉब्लम रहती है ना तो उसके लिए रागी फ्लावर बहुत अच्छा है क्योंकि ये आयरन का बहुत ही अच्छा सा सोर्स है और इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और रागी का यूज आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसको गर्मियों में ही खाना है या ठंडी में ही खाना है, ये थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी खा सकते हो। तो इसको अच्छे से घोल बना लेना है इसका, जैसे आप देख सकते हैं ना लिक्विड जैसा घोल बना लेना है। और अब मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और इसको गैस पे चढ़ा दूंगी मैं और जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना तब मैं ये जो रागी का घोल मैंने बनाया है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको कुक करना ज़रूरी होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसका घोल बना लिया है और इसको मैं क्या करूँगी कि पानी में जैसे ही गर्म पानी में आप इसको डालेंगे ना तुरंत थिक हो जाता है ये, जैसे आप बेसन डालते हो तो तुरंत थिक होना शुरू हो जाता है ना वैसे ये भी होता है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऊपर से मिलाना पड़ेगा ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो अभी इसको थोड़ा और बॉयल करना है, जब एक अच्छा सा बॉयल इसमें आ जाएगा ना तो समझ लीजिए कि ये हो गया। और साथ ही साथ ना इसके अंदर रागी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ई भी होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, मतलब कि ये पक चुका है अच्छे से और अब मैं क्या करूँगी कि गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और जितना मुझे क्वांटिटी इस्तेमाल करना है 2 लोगों के स्मूदी के लिए उतना मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और कटोरी में निकालने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 15-20 आलमंड को रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको अच्छे से पील कर लूंगी, इसका छिलका उतार दूंगी। जो आलमंड होता है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है, आयरन होता है, बायोटीन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आलमंड होता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छे से ना हमारी स्किन को और बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपके बाल और आपकी स्किन हेल्दी होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 डेट लिया हुआ है तो इसको स्वीटन करने के लिए डेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। डेट में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आयरन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद एक अच्छा सा पका हुआ बनाना लेना है आपको, अच्छे से एकदम पका हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ना जितना पका बनाना मैंने लिया हुआ है इसी तरीके का बनाना लेना है आपको, क्योंकि हम लोग बनाना को इस्तेमाल कर रहे हैं कुक्ड रागी फ्लावर के साथ तो इसीलिए बनाना का बहुत ही अच्छे से पका हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बनाना को आप तभी कंबाइन कर सकते हैं किसी भी कुक्ड चीज़ के साथ
जब वो अच्छे से पका हुआ हो। अगर थोड़ा मोड़ा भी कच्चा रहता है ना तो वो आप कंबाइन नहीं कर सकते ऐसे फूड के साथ, ग्रेन के साथ, है ना। इसीलिए इसका पका हुआ होना बहुत जरूरी है। और बनाना के अंदर भी ना बहुत ज्यादा बायोटीन होता है, आयरन होता है, सेलेनियम होता है, सिलिका होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से जो बनाना था उसको पीसेज में काट के डाल लिया। इसमें मैं रागी फ्लावर जो मैंने अभी कुक किया रागी को, उसको इसमें मैं डाल दूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुक्ड रागी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डेट्स और आलमंड डालने वाली हूँ। तो जो डेट में मैंने सोक, मतलब डेट को मैंने सोक किया था जिस पानी में, उस पानी के साथ ही मैं इसको डाल दूंगी। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये कोकोआ पाउडर है, कोकोआ पाउडर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इस स्मूदी में ना इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये ऐड कर देता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर आपके पास कोकोआ पाउडर है तो आप डेफिनेटली डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कोकोआ पाउडर डालते हैं ना इसमें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और कोकोआ पाउडर हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको ये स्मूदी ना बहुत टेस्टी लगने वाली है। अगर आप कोकोआ पाउडर भी डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इसको अच्छे से आप अपने कप में ले लीजिए और पी जाइए आप इसको। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, वो है मैंने फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने मतलब रोस्ट नहीं किया हुआ है, कच्चा सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड एंड अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसको मैंने ऊपर से उसका पाउडर ऐसे गिरा दिया और इसको अच्छे से आप पी जाइए। देखिए ये जो स्मूदी है इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये काफ़ी देर तक आपको फील भी रखेगी, एक बार आप इसको पी लेते हैं ना तो आपका पेट बहुत देर तक भरा भरा रहता है और ये काफ़ी एनर्जी भी देता है आपको। तो रमज़ान के लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे रमज़ान के लिए स्मूदी, तो ये बेस्ट स्मूदी है। इसको आप पीजिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे आप लीजिए आराम से। मेरे कुछ सब्सक्राइबर है ना जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप रमजान के लिए कोई बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट स्मूदी शेयर करिए, तो देखिए ये स्मूदी मैंने शेयर कर दी है। इसको आप अपने रमजान के टाइम में भी सुबह सुबह पी सकते हैं। ये बहुत ही फुल है एनर्जी से और बहुत सारे इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपको पूरे दिन फिल भी रखेंगे और साथ ही साथ आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। तो और क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर भी करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।